चलिए, सो वेलकम बैक एवरीवन। बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आपका चैप्टर है, जिसका नाम है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स पावर्स। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो सेक्शन आपका शुरू होता है 173 से, और कुल मिलाकर सेक्शन नंबर 191 तक आपको इसमें पढ़ना होता है। यानी कि अगेन आप बोल सकते हैं कि तकरीबन 20 के आसपास या 18 सेक्शन से यहां पे बोल सकते हैं जो आपको पढ़ना होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि आपकी जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट जो है वो क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है, उस चीज के बारे में आपको यहां पे बताया गया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हालांकि आपको फटाफट रिवाइज करवाने के लिए मैंने आपके पूरे 20 के आसपास जो सेक्शन हैं उनको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 पेजेस में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ वैलिड बोर्ड मीटिंग। याद होगा कि जनरल मीटिंग के बारे में भी हमने एक बात कही थी, हमने कहा था कि आपकी जो मीटिंग है जिसमें आप बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एक वैलिड जनरल मीटिंग होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से यहां पे अगर हम बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करें तो उसके लिए भी कहा गया है कि आपकी जो बोर्ड मीटिंग है वो एक आपकी वैलिड वाली बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि सर वैलिड बोर्ड मीटिंग होने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी रहेंगी। सबसे पहला कि आपकी कंपनी में एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम 1/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, या फिर किसी और सेक्शन में डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में या बोर्ड के कंपोजिशन के बारे में हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, वो पॉइंट्स को कंप्लाई करते हुए आपके बोर्ड का कंपोजिशन होना चाहिए। इस बात को आपको इंश्योर करना होगा। दूसरी बात, आपको हर मीटिंग के पहले एक प्रॉपर नोटिस जो है, एक प्रॉपर प्रायर नोटिस जो है वो देना होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई मीटिंग करने की बात करते हैं और उसका नोटिस अगर आप रातों रात देने की बात करें तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द डायरेक्टर टू कम एंड सिट इन द मीटिंग। तो एक प्रॉपर नोटिस जो है वो होना चाहिए, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 173 में हम डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर मीटिंग का एक प्रॉपर चेयरपर्सन जो है वो होना चाहिए, हर मीटिंग का एक हेड जो है वो होना चाहिए। जैसे जनरल मीटिंग में भी रिक्वायर्ड था वैसे यहां पे भी जरूरी है। और उसके बाद हमने कहा कि आपकी इस मीटिंग के अंदर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कोरम जो है वो आपका रहना चाहिए। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होगा तो इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कोई भी एजेंडा आपका वैलिड नहीं कहलाएगा। अब जैसे यहां कोरम और चेयरपर्सन की बात आती है तो कुछ बच्चों के दिमाग में पॉइंट आता है प्रॉक्सी के बारे में भी। सर बोले जनरल मीटिंग में आपने ये कहा था कि मेंबर्स के पास में राइट हो सकता है कि वो चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, तो ऐसा ही कभी कभी सिली डाउट आ जाता है कुछ बच्चों का कि सर क्या डायरेक्टर्स की मीटिंग के केस में डायरेक्टर्स के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। तो बेटा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। सिंपल अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं तो दिया गया है कि नहीं, डायरेक्टर का प्रॉक्सी नहीं हो सकता। बट फिर भी कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्यों नहीं हो सकता, अगर मेंबर्स को अलाउ किया गया है तो डायरेक्टर्स को भी अलाउ किया जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, डायरेक्टर्स का काम है कंपनी में मैनेजमेंट को संभालना। डायरेक्टर्स का काम है कि अपना दिमाग यूज करेंगे और अपना दिमाग यूज करके कंपनी के डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे, कंपनी के ग्रोथ की कोशिश करेंगे, कंपनी में काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बराबर है सर? हमने किसी स्पेसिफिक बंदे को कंपनी में डायरेक्टर इसलिए बनाया क्योंकि वो बंदा एक कैपेबल पर्सन था। हालांकि मेंबरशिप लेने के लिए ऐसी कोई कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप रजनीकांत होंगे तो ही बोले आपको कंपनी में मेंबरशिप मिलेगी। सिंपली कंपनी में शेयर्स परचेज कर लो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम लिखवा लो, यू विल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। पैसा दे दो कंपनी को, आप कंपनी के मेंबर कहलाएंगे, बात खत्म हो गई। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर आप बात करते हैं अबाउट द मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स, सर कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पे आने के लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन, मतलब एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब चीजें होनी चाहिए।
अब सोचने की बात है कि आपको हमने आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से कंपनी में अपॉइंट किया ताकि मीटिंग में आप अपना वैल्यूएशन दें, और आपने कहा मैं अपने प्रॉक्सी को भेज दूंगा। क्या प्रॉक्सी के पास में वो नॉलेज होगा जो आपके पास में है? आंसर इज नो। अंडरस्टूड? तो इसीलिए यहां बोला गया है कि मैनेजमेंट जो है या डायरेक्टर जो है वो बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को भेज नहीं सकता। हालांकि कई लिमिटेड क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि अगर जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी को अपॉइंट किया गया तो उसको रेम्यूनरेशन भी दिया जाना चाहिए क्या? बराबर है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, सवाल ही पैदा नहीं होता। पूछा मुझे एक ये क्वेश्चन एक होनहार स्टूडेंट ने, रात को 2-2 बजे तक जगती है लेकिन सुबह टाइम पे मतलब क्लास आना नहीं हो पाता है, तो आते भी है तो फिर आधी नींद में आते हैं और क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्या सर बोले क्या प्रॉक्सी को रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए क्या? तो आंसर इज नो, प्रॉक्सी को रेम्यूनरेशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? अब बोले सर लेकिन एक मिनट, आपने कहा था इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि हर किसी चीज की वैल्यू होती है, अगर बोले प्रॉक्सी अपना टाइम निकाल के मीटिंग में जा रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, मना कर दो जाने के लिए। पहले तुम्हें ही खुशी हो रही थी, अरे ताज होटल में मीटिंग हो रही है, खाने पीने को मिलेगा तो मैं चले जाता हूं, जबरदस्ती थोड़ी किया था तुम्हारे साथ में कि तुमको जाना ही है करके। और दूसरी बात, मेंबर के बिहाफ पे वोटिंग करने के लिए जाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट वहां पे नहीं है। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ना ही तो प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं, ना ही खुद जाके वोटिंग करके आते हैं, इवन पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वो वोटिंग नहीं करते, या ई वोटिंग भी वो लोग नहीं करते हैं। गॉट द पॉइंट? तो प्रॉक्सी को रेम्यूनरेशन देने की बात कंपनी लॉ में कहीं दी हुई नहीं है, फिर भी अगर आपकी श्रद्धा होगी कि नहीं मेरे को देना चाहिए तो आपकी मर्जी है, दे सकते, ठीक है? चलिए ठीक है। तो बेटा ये कुल मिला के 4 ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कहा गया है कि आपको इन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि व्हाट इज द प्रोविजन अबाउट द बोर्ड मीटिंग। सब बोले कंपनी में जो बोर्ड मीटिंग वगैरह है वो पहली बात तो होनी कब चाहिए, दूसरी बात साल भर में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। अब इसको अगेन अगर मैं कंपेयर करता हूं जनरल मीटिंग के साथ, सर जनरल मीटिंग के बारे में कहा गया था कि साल में एजीएम एक ही होनी चाहिए, वहीं पे अगर मैं ईजीएम के बारे में बात करूं तो आपने कहा कितनी भी ईजीएम हो सकती है डिपेंडिंग कि आपको कब कौन सा ट्रांजेक्शन करना है। लेकिन सर एक मिनट, अगर मैं कंपनी के मैनेजमेंट की मीटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कंपनी के बोर्ड की मीटिंग के बारे में बात करूं, तो कंपनी के बोर्ड का तो मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? अरे सर मैनेजमेंट ही तो है जो कंपनी में सारे कामों को देखता है, कब कौन सा काम करना होगा, कब कौन सा काम नहीं करना होगा, किस तरीके से करना होगा, ये सब चीजों को डिसाइड करने के लिए एक क्यूमुलेटिव डिसीजन आना जरूरी है, जिसके लिए मिलना जरूरी है। बराबर है? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, सिंपली यहां पे आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो सेक्शन नंबर 173 है, एंड कंपनीज का मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 जो है, उसमें जो रूल्स आपको दिए गए हैं उनके हिसाब से कहा गया है कि सर आपकी कंपनी की जो पहली बोर्ड मीटिंग है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फिर चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ओपीसी कंपनी हो, या किसी भी टाइप की कंपनी क्यों ना हो। सर एक मिनट, जनरल मीटिंग के केस में आपने कहा था साल खत्म होने दो, उसके बाद 9 महीने का टाइम है, कभी भी एजीएम ले सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड मीटिंग में कह रहे हैं कि जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 30 दिन में मीटिंग लेनी है, ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? अगेन सिंपल लॉजिक, मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि काम किस तरीके से करना है, तो इमीडिएटली मिलना आपका जरूरी है ताकि आपस में काम आप डिवाइड कर सके और आप किस तरीके से काम करने वाले हैं उस चीज के बारे में डिसाइड कर सके। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन, ठीक है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए 30 डेज के अंदर, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फिर चाहे आप किसी भी टाइप की कंपनी रहे। लेकिन इसके बाद अगर मैं सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बात करूं, यानी कि साल दर साल टाइम टाइम पे जो कंपनी में अलग अलग मीटिंग होती रहेंगी, अगर उनकी मैं बात करूं, तो कहा गया है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो ओपीसी कंपनी होती है, दैट मींस वन पर्सन कंपनी अगर होती है,
तो सर इसके केस में कहा गया है कि सर कम से कम दो बोर्ड मीटिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखेंगे, कैलेंडर ईयर नहीं है, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। और फिर कहा गया है कि ये दो बोर्ड मीटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि हर कैलेंडर हाफ में आपकी कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग जो है वो हो जाए। सर मतलब ये कि जनवरी से लेके जून में, कब बेटा, जनवरी से लेके जून में आपके यहां एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और जुलाई से लेके दिसंबर में आपके यहां एक बोर्ड मीटिंग जो है वो होनी चाहिए। एंड सर ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहें यानी कि ओपीसी कंपनी में अगर मैनेजमेंट चाहे तो डेली आप मीटिंग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने की बात कर रहे होंगे, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ दो ही मीटिंग लेने की बात कर रहे होंगे तो आपको ये वाला प्रोविजन यहां दिया गया है। और साथ में यह कहा गया है कि अगर आप सिर्फ दो ही मीटिंग ले रहे हैं तो उसमें भी यह इंश्योर करना है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के हिसाब से मीटिंग नहीं होनी चाहिए। सर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली मीटिंग आपने 30 जून को ले ली और अगली मीटिंग आपने 1 जुलाई को ले ली, यानी कि दो दिन के अंदर साल भर का काम खत्म कर डाला बोले डॉक्यूमेंट्स में दिखाने के हिसाब से। इस चीज को कंफर्म करने के लिए कहा गया कि आपके यहां अगर दो ही मीटिंग हो रही हैं तो उनके बीच का जो मिनिमम गैप है वो 90 डेज का होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर आप सिर्फ दो ही मीटिंग ले रहे हैं तब की ऐसी बात की, अगर इसके अलावा आप बहुत सारी मीटिंग्स ले रहे हैं, अरे बल्ले बल्ले, हम तो चाहते ही ये हैं कि आप ज्यादा मीटिंग्स ले करके, गॉट द पॉइंट, डन। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं फॉर द कंपनीज अदर देन ओपीसी, तो आई होप कि इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि सर हर कंपनी को एक दिए गए फाइनेंशियल ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग कम से कम लेना जरूरी है एंड 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? बेटा यहां गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आपको जो यहां पे अदर कंपनीज के लिए गैप बोला गया है वो कहा है मैक्सिमम 120 डेज, और ओपीसी कंपनी में जो गैप बोला है वो बोला है मिनिमम 90 डेज। गॉट द पॉइंट, डन। फिर उसके बाद में बात आती है अबाउट द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। अब सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कंपनी में बोर्ड मीटिंग होने वाली है यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स को मीटिंग में आना होगा और मीटिंग के अंदर कोई टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा होगा एंड रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली पास किया जाएगा या मना किया जाएगा एज द केस में भी, तो कॉमन सेंस की बात है कि कंपनी की अगर बोर्ड मीटिंग हो रही है तो जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी के होंगे सारे के सारे आ सके या मेजॉरिटी लोग आ सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट? अब सर सारे के सारे लोग या मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके इसके लिए जरूरी यह है कि उनको सफिशिएंट टाइम पहले एक नोटिस देना जरूरी होगा। व्हाट द पॉइंट? तो देखिए क्या कहा गया, कहा गया कि किसी भी बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देना होगा जो कि आपका राइटिंग में होना चाहिए। और ये नोटिस जो है वो आप कंपनी के हर एक डायरेक्टर को देंगे और जो जो एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड किया होगा उस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम यहां बोर्ड मीटिंग के रामबाण की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 173 से 191 ये तो आपको फॉलो करना होगा, साथ में आपको ये वाले जो रूल्स हैं इनको भी फॉलो करना होगा, बट इसके अलावा आपको SS1 जो है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 जो है, उसके प्रोविजंस को भी कंप्लाई करना होगा जिसमें कि आपको और इलाबोरेट किया गया है कि नोटिस का मतलब क्या, नोटिस के लेंथ का मतलब क्या, उसमें क्या काउंट करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको वहां पे बताया गया है। छोटी छोटी बातें जो है वो वहां पे आपको दी गई है। एग्जांपल अभी उसमें एक अमेंडमेंट आया कि SS1 ये कहता है कि अगर आप बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे रहे हैं तो कुरियर के थ्रू आप नोटिस नहीं देंगे, नोटिस आपका जो है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हो सकता है, बट कुरियर के थ्रू कट कर दिया गया है वहां से, बराबर है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो भी आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए
तो यहां आपसे कहा गया है कि उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस एड्रेस पे कंपनी को नोटिस जो है वो भेजना होगा, और कम से कम 7 दिन पहले नोटिस आपको भेजना रहेगा जनरली। सर ये जनरली वर्ड क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हो सकता है कभी कभार, हमेशा तो नहीं बट कभी कभी हो सकता है कि कंपनी को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्जेंटली डिस्कस करना हो। अगर ऐसा रहा तो सर हमें ये फाइंड आउट करना, सॉरी हमें जो नोटिस वगैरह है वो हो सकता है कि कम टाइम पे भेजना पड़े, गॉट द पॉइंट? या हो सकता है कि आपको ओवरनाइट नोटिस देके मीटिंग जो है वो बुलानी पड़े मजबूरी में। तो ऐसा कभी कभार अगर शॉर्टर नोटिस देना पड़ता है तो वो भी चलेगा, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं उसकी बात हम करेंगे। चलिए तो ध्यान से बेटा, सबसे पहली बात, इट शुड बी डिलीवर्ड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है? इन केस ऑफ शॉर्टर नोटिस, अगर आप कभी कभार शॉर्टर नोटिस देते हैं तो अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, अगर आप शॉर्टर नोटिस देते हैं, चलिए अगर आप शॉर्टर नोटिस देते हैं कभी कभार तो दिक्कत नहीं है, बट कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। बट अगर मान लो आपने शॉर्टर नोटिस दिया और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहता है कि सॉरी मुझे कुछ काम है तो मैं उस मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, तो कहा गया है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता है तो जो भी डिसीजन उस मीटिंग का आया होगा वो डिसीजन आपको सर्कुलेट करना होगा टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड इट शैल बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बात जो है वो आपको यहां पे कंफर्म करनी जरूरी होगी। गॉट इट? डन। फिर उसके बाद सर अगर नोटिस के मामले में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो जो पेनल्टी है वो आपकी हो सकती है अप टू ₹25,00,000। गॉट इट? डन। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 174 बात करता है अबाउट द टॉपिक कोरम। सर याद होगा कि जनरल मीटिंग के लिए भी हमने कोरम की बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि प्राइवेट कंपनी अगर है तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। पब्लिक के अंदर कहा था कि डिपेंड करता है कि कंपनी में मेंबर्स कितने हैं, अगर अप टू 1000 रहे तो 5, अगर 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 तक रहे तो 15, और अगर 5000 से भी ज्यादा रहे तो 30, बराबर है? लेकिन सर डायरेक्टर्स तो ले दे के मैक्सिमम 15 हो सकते हैं जनरली, राइट? तो क्वोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं बोर्ड मीटिंग के लिए क्वोरम की बात करूं, सर जनरली अगर मैं क्वोरम की बात करूं तो मतलब सेम है क्या? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हु शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू वैलिडली ट्रांजैक्ट अ बिजनेस। लेकिन यही चीज अगर मैं जनरल मीटिंग के लिए स्पेसिफिकली बोलूं तो थोड़ा सा चेंज आएगा। बोले क्या? क्वोरम मींस, क्वोरम फॉर जनरल मीटिंग मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। मतलब अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी भेज रहा होगा तो प्रॉक्सी को काउंट नहीं करेंगे, पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। याद आया? सेम ऐसे ही अगर मैं बोर्ड मीटिंग के क्वोरम की बात करूं तो सर यहां भी थोड़ा सा चेंज होगा। बोले क्या? सर बोले क्वोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग मींस मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। कौन से डायरेक्टर्स? नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। सर ऐसा लिखा हुआ यहां पे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें जो हैं वो आपको आगे इलाबरेट की गई हैं जिससे कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सर सीधा सीधा सा पॉइंट आता है, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आप पास करने वाले हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो वो उसके लिए ना क्यों कहेगा? मतलब बाकी लोग ना या हां जो भी बोलेंगे अनबायस्ड होके बोलेंगे, लेकिन जिस टॉपिक के अंदर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा तो वो उस टॉपिक पे ना बोलने वाला ही नहीं होगा ना। और ये हो सकता है कि इस ट्रांजैक्शन में उसका इंटरेस्ट हो लेकिन कंपनी के अगेंस्ट हो, या कंपनी एट अ लार्ज उसके इंटरेस्ट में ना हो, ये पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने यहां बात करी कि सर
डायरेक्टर्स के मीटिंग के लिए क्वोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू वैलिडली ट्रांजैक्ट अ बिजनेस। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पे जो ये डायरेक्टर आपका है वो नॉन इंटरेस्टेड वाला होना चाहिए। सर यहां नॉन इंटरेस्टेड का मतलब क्या है कि इस बोर्ड मीटिंग के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उस ट्रांजैक्शन में इस बंदे का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। ठीक है सर, फिर बोले रिक्वायरमेंट क्या बोलता है, क्वोरम का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहता है। तो ध्यान से, सेक्शन 174 आपसे कहता है कि क्वोरम इनटू द बोर्ड मीटिंग शैल बी इधर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 विच एवर इज हायर। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी में दो ही डायरेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनी है तो दो ही डायरेक्टर्स होंगे, और अगर मैं इसके 1/3 की बात करता हूं तो 0.67 आएगा, यानी कि एक भी बंदा प्रेजेंट रहा तो चलेगा, लेकिन ये तो मीटिंग के ही बेसिक फंडामेंटल की बैंड बजा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब ऐसे केस में अगर एक ही बंदा बैठता है तो ये तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो जाएगा, ये तो मीटिंग के ही फंडे को क्लियर नहीं कर रहा। तो सर कहा गया कि ऐसे केस में कम से कम दो लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन अगर कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं तो 5 का अगर मैं यहां 1/3 निकालने की बात करूं तो 2.33 आएगा शायद, हालांकि मेरा मैथ्स कमजोर है बट आई होप कि 2.33 ही आता हो। तो 2.33 और 2 विच एवर इज हायर, तो ऐसे केस में क्वोरम जो है वो आपका 3 का होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। हालांकि यहां पे अगर कोई फ्रैक्शन आपका आता है टू 1/3 शैल बी टेकन टू द नेक्स्ट वैल्यू आना चाहिए, नियरेस्ट नहीं, नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू मतलब अगर ये 2.33 आ गया तो आपको 3 पे जाना होगा ना कि 2 पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। फिर उसके बाद में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और एनी अदर ऑडियो विजुअल मींस शैल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। हां सर उसमें क्या दिक्कत है, भले ही कोई बंदा स्काइप से यहां मीटिंग अटेंड कर रहा होगा, है तो खुद ही ना, खुद दिमाग तो खुद का यूज हो रहा है ना भाई। भले ही कोई बंदा स्काइप के थ्रू या फिर व्हाट्सएप कॉल के थ्रू या फिर फेस टाइम के थ्रू या किसी और वे में अगर कोई मीटिंग को अटेंड कर रहा होगा तो दिमाग तो उसी का यूज हो रहा है ना। तो कहा गया है कि उस बंदे को भी यहां पे क्वोरम के लिए काउंट किया जाना चाहिए। ये समझ में आया बेटा? क्लियर है पॉइंट? डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वोरम। बात करते हैं अगले कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि बोर्ड मीटिंग से ही आपके रिलेटेड है। सबसे पहला चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। हमने तो जनरल मीटिंग में भी चेयरपर्सन की बात की थी, तो बोर्ड मीटिंग में भी चेयरपर्सन जो है वो होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करूं, जिसके बारे में टेबल नंबर एफ का रेगुलेशन नंबर 70 यहां पे बात करता है और कहता है कि यूजुअली जो भी हमारी कंपनी के बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होगा उसका नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी मे हैव प्रोविजन टू अपॉइंट द चेयरमैन। जिसका अपॉइंटमेंट जो है वो कंपनी का बोर्ड खुद कर सकता है, यानी कि बोर्ड मीटिंग के अंदर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और चेयरमैन अपॉइंट कर लिया जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा कोई चेयरपर्सन इलेक्ट किया हुआ नहीं है या फिर हमने उसको इलेक्ट किया है लेकिन बोर्ड मीटिंग शुरू होने के 5 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा यहां प्रेजेंट नहीं है, तो कहा गया कि उस मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी क्या होंगे बेटा, डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो आपस में किसी एक बंदे को चूज कर सकते हैं। बट सर एक सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात। बोले क्या सर? बोले मान लीजिए हमारी कंपनी में कुल मिला के 3 डायरेक्टर्स हैं जो फिलहाल प्रेजेंट हैं, बराबर है, और कहा गया कि तीनों डायरेक्टर्स आपस में मिलके किसी एक बंदे को, यानी कि इसमें से कोई एक बंदे को चूज करेगा और वो बंदा काम करेगा एज चेयरमैन टू दिस बोर्ड मीटिंग। गॉट द पॉइंट? और या फिर सीधा सीधा हो सकता है कि कोई और बंदा है जिसका नाम ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन के नाम पे दिया हुआ है। सर लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। बोले क्या सर? हो सकता है कि यहां
जिस भी बंदे को चेयरमैन अपॉइंट किया हुआ है ये खुद इंटरेस्टेड निकला, तो बिग क्वेश्चन। मीटिंग का चेयरमैन खुद इंटरेस्टेड है बोले ट्रांजैक्शन के अंदर, अब क्या करें बोले। बराबर है, तो यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले क्या सब, बोले अगर कंपनी में जो ये बंदा इस बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है, अगर बोले आप प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के बारे में बेटा, प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो कहा गया कि ये जो चेयरमैन रहेगा ना वो इस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट रह सकता है लेकिन चेयर पे नहीं बैठेगा। किस पे नहीं बैठेगा बेटा, चेयर पे नहीं बैठेगा, मतलब चेयरमैन नहीं कहलाएगा। ये लिटरली लिखे मत चलना कि दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे सर। यू विल नॉट हेड द मीटिंग, ऐसा बोला जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी होती है तो कहा गया कि जिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में आप इंटरेस्टेड हैं उस रेजोल्यूशन में जब डिस्कशन चल रहा होगा उस टाइम पे आप वो मीटिंग में ही प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वो रूम में ही प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, आप रूम से भी बाहर होने चाहिए। हालांकि जब वो रेजोल्यूशन पर डिस्कशन हो चुका होगा उसके बाद अगर आप चाहें तो वापस आके बैठ सकते हैं। ये जनरली आपको SS1 जो है उसके अंदर आपको इसके बारे में बताया गया है। SS1 ही लिखा ना, हाँ ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बेटा कास्टिंग वोट, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कहा कि अगर आपकी जो कंपनी है उसमें मान लीजिए कुल मिला के 4 डायरेक्टर्स हैं, बराबर है, और 4 में से 2 लोग हां बोल रहे हैं 2 लोग ना बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, टाई हो जाएगा। तो कहा गया कि आपकी इस मीटिंग का जो चेयरमैन है उसके पास एक एक्स्ट्रा वोट हो सकता है जिसे आप कास्टिंग वोट कहते हैं, और वो तभी यूज किया जाएगा जब सही में वोटिंग में टाई हुआ हो। गॉट इट? ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सेक्शन नंबर 175, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, पढ़ने का भी टाइम आपको मिलेगा, बट पहले लॉजिक लगाइए, सुनिए और समझिए। सर हमने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट को अगर कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना है, कोई टॉपिक पे अप्रूवल देना है, कोई टॉपिक पे रेजोल्यूशन पास करना है, तो हमने कहा बोर्ड मीटिंग बुलाओ, 7 दिन पहले नोटिस देके मीटिंग में बैठो, डिस्कशन करो, अप्रूवल दो, खत्म करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। लेकिन सर छोटा मोटा कोई टॉपिक है, छोटा मोटा कोई टॉपिक है जिसके लिए पता ही है कि यूनैनिमस कंसेंट आने वाला है, बराबर है। अब सर कंपनी के सारे डायरेक्टर्स एक ही जगह पे रहते होंगे इस बात की तो गारंटी नहीं है, बराबर है। हो सकता है कोई एक सिटी में रहता हो, कोई दूसरी सिटी में रहता हो, कोई तीसरी सिटी में रहता हो, एंड जहां पे भी रहता होगा वो उसी जगह पे 24 घंटे 365 डेज रहता होगा इस बात की भी गारंटी नहीं है, और भी काम होंगे उस बंदे को, कहीं और भी जाता होगा। तो आपने कहा कल आ जाना भाई मीटिंग है, या 7 दिन के बाद आ जाना भाई मीटिंग है, क्या क्या डिस्कस करने वाले हो, कोई छोटा सा टॉपिक है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आता है कि सर क्या इतने छोटे से टॉपिक के लिए अपना टाइम अलग से निकाल के कंपनी की मीटिंग में आके बैठना जरूरी है क्या। एक काम करते ना, बोले क्या सबको, बोले आप नोटिस भेज दो और साथ में आप रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करके भेज दो कि ऐसा ऐसा रेजोल्यूशन पास करने का सोच रहे हैं और आपका कंसेंट चाहिए, बराबर है, तो सर्कुलेशन कर दो बोले आप, सबके घर पे भेज दो। अगर कोई बहुत सीरियस वाला टॉपिक नहीं होगा तो जस्ट बाय सर्कुलेशन आप बोले पास करवा लो, जिसपे मंथन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डीप डिस्कशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो उसे कहते हैं पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। गॉट इट? क्या कहता है? कहता है कि सर्कुलेशन से भी रेजोल्यूशन पास करना वैलिड होगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन शैल बी सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि सारे डायरेक्टर्स को भेजे जाने चाहिए अगर बोर्ड मीटिंग हो रही होगी तो, सारे कमिटी मेंबर्स को भेजे जाने चाहिए अगर ऑडिट कमिटी NRC की या SRC की मीटिंग हो रही होगी तो, या किसी और कमिटी की मीटिंग हो रही होगी तो, एंड एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट, कुरियर हटा दिया गया है, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड शैल बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स।
रेजोल्यूशन जो दिया गया, मान लीजिए कंपनी में चार डायरेक्टर्स हैं तो तीन लोगों का कंसेंट जो है वो आना चाहिए, ये समझा। लेकिन सर बोले एक मिनट, बोले क्या सर? बोले कंपनी का जो सीएस था उसने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को भेज दिया, सारे डायरेक्टर्स को भेज दिया और सबसे कहा सर आपको हां बोलना है या ना बोलना है, इस पे हां या ना करना और लिख के भेज देना। अब हमने जैसे ही सर्कुलेट किया तो कुछ डायरेक्टर्स का ऐसा मानना था कि अरे ये टॉपिक है, ये टॉपिक पे तो बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए, इस पे तो सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास ही नहीं होना चाहिए, बराबर है? तो ध्यान से सुनो क्या कहता है। कहता है कि अगर सर्कुलेट करने के बाद जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से कम 1/3 लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए और बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए, तो ऐसे टॉपिक को आप बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस करके रेजोल्यूशन पास करेंगे। ये समझ में आया? भले ही सर्कुलेशन में मेजॉरिटी लोगों ने हां बोल दिया, सर मतलब चार में से तीन लोगों ने हां बोल दिया, वैसे देखा जाए तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है, बराबर है? लेकिन 1/3 लोगों ने, अगर कम से कम 1/3 लोगों ने यह कहा कि यह टॉपिक का डिस्कशन मीटिंग में होना चाहिए था और मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, तो ऐसे रेजोल्यूशन को माना नहीं जाएगा और इसको मीटिंग बुला के बाकायदा उसमें ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यह समझ में आया? डन। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन नंबर 176, वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन। बोले क्या सर? ध्यान से वापस से पढ़ेंगे नहीं, पहले सुनेंगे और समझेंगे। कंपनी में कोई भी बंदा जो डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंटेड है वो बंदा सेक्शन 164 के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, वो बंदा 169 के हिसाब से रिमूव्ड वाला नहीं होना चाहिए, सेक्शन नंबर 167 के हिसाब से उसको ऑफिस वैकेट करना पड़े ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, बराबर है? सर कोई बंदा, कोई डायरेक्टर है जो ऑलरेडी कंपनी में अपॉइंटेड है, वो अनसाउंड माइंड का हो गया, क्या इस बात को कंपनी को सपना आएगा क्या? क्या इस बात का कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स को सपना आएगा क्या? या फिर कोई एक बंदा है जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, जब तक ये बात जग जाहिर नहीं की जाती क्या ये बात कंपनी को पता चलेगी क्या? मे भी हो सकता है पता चल जाए या हो सकता है ना भी चले, बराबर है? अब देखो बेटा हुआ क्या हुआ, ये बोले हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर था, बराबर है, जो कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 24th of October को डिस्क्वालिफाइड हो चुका था, क्या हो चुका था बेटा? डिस्क्वालिफाइड हो चुका था वो बंदा, बराबर है? लेकिन इस चीज के बारे में कंपनी को नॉलेज नहीं थी, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वट एवर द रीजन मे बी, बट मान लो कंपनी को नॉलेज नहीं थी और इस बंदे ने कंपनी के बिहाफ पे किसी आउटसाइडर के साथ क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के बिहाफ पे, बराबर है? और सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, करने के बाद मान लो कि 28 अक्टूबर को कंपनी को पता चलता है कि यह बंदा डिस्क्वालिफाइड है। अब अगर यह बंदा डिस्क्वालिफाइड है तो इस बंदे के ऑफिस को क्या करवाना होगा, वैकेंट करवाना होगा। आपने यानी कि कंपनी ने क्या किया कि इसके ऑफिस को वैकेंट करवा दिया, गॉट इट? फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 30 तारीख को यह आउटसाइडर जो है वो कंपनी के पास आता है और कंपनी को कहता है या कंपनी के मैनेजमेंट को कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे आपसे कुछ पैसा लेना बनता है, और कंपनी ने बोला सर एक मिनट, जिस डायरेक्टर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी वो बंदा 24 तारीख को डिस्क्वालिफाइड था, तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं है। ऐसा अगर कंपनी कहने की बात करती है या कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा अगर कहने की बात अगर करते हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा, कहा गया है कि एनी एक्ट डन बाय द डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इवन इफ ही वॉज डिस्क्वालिफाइड बट कंपनी डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट इट, द एक्ट शैल बी वैलिड फॉर द आउटसाइडर।
अरे सीधी सी बात है भाई, आउटसाइडर को क्या पता कि तुम्हारी कंपनी का कौन सा डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है या अनडिस्क्वालिफाइड है। मैंने उस बंदे को पूछा कि क्या तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो, उसने निकाल के दिखाया, हाँ ये देखो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, बोले, और था वो बंदा डायरेक्टर, राइट। अगर कंपनी उसको डिस्क्वालीफाई कर चुकी होती या उसको रिमूव कर चुकी होती, उसके ऑफिस को वैकेट कर चुकी होती, और फिर अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो मेरी गलती थी। बट अगर आउटसाइडर गुड फेथ में काम कर रहा है और बिना इस नॉलेज के काम कर रहा है तो मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कंपनी में कौन बंदा ऑथराइज्ड है, कौन बंदा तुम्हारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब देखने का काम तुम्हारा है, तुम्हारी कंपनी का है। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से बेटा, यहां बोला गया कि एनी एक्ट विच इज डन बाय द डायरेक्टर शेल बी वैलिड इवन इफ इट इज डन बाय सच डायरेक्टर आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन। गॉट द पॉइंट? लेकिन पॉइंट यहां पे ये ध्यान से सुनिएगा, अगर बंदा डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, कंपनी को इस बात का नॉलेज है, कंपनी ने उसको बोल दिया है दैट यू हैव टू वैकेट द ऑफिस, तो ऐसे केस में वो बंदे का किया हुआ काम जो रहेगा उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। बट नॉर्मली एनी एक्ट डन बाय द डायरेक्टर शेल बी वैलिड इवन इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट हिज अपॉइंटमेंट वॉज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ एनी डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन और हैड टर्मिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट 2013। ये समझ में आया बेटा? इस बात को आप अपने जहन में अच्छे से रखेंगे। अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फटाफट। यहां हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बोर्ड की मीटिंग। और अभी तक अगर मैं सेक्शंस के कारवां की बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 173 जो कि बात करता है अबाउट नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में एंड अदर प्रोविजंस के बारे में, याद आया। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 174 तो ये स्पेसिफिकली बात करता है कोरम के बारे में, दैट इज कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। फिर उसके बाद अगर मैं सेक्शन नंबर 175 की बात करूं तो ये बात करता है अबाउट द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, बराबर है? यानी कि बोर्ड मीटिंग को हेल्ड ना करते हुए अगर आप रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करके पास करते हैं तो वो भी चलेगा, कुछ केसेस में ऐसा आपसे कहा गया। और फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 176 आपको यहां कुछ कहता है, क्या कहता है? दैट सर एक्ट ऑफ डायरेक्टर शैल बी वैलिड, या हेडिंग दे सकते हैं द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ डायरेक्टर। फिर उसके बाद बेटा एक सेक्शन आपका आता है सेक्शन नंबर 177 और दूसरा सेक्शन आपका आता है 178। ये ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है। सेक्शन नंबर 177 और 178 दोनों ही बात करते हैं अबाउट द कमेटी। सेक्शन 177 जो है वो बात करता है अबाउट द ऑडिट कमेटी, बराबर है? 178 जो है वो बेसिकली दो कमिटीज की बात करता है जिसमें से पहली है आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, जिसके लिए सेक्शन 178 का सब सेक्शन 1 से लेके सब सेक्शन 4 तक डील करता है। और फिर आपका आता है SRC, दैट इज स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी और शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, जिसका सेक्शन जो है 178 के सब सेक्शन 5 से लेके सब सेक्शन 8 तक डील करता है। गॉट द पॉइंट? तो इस चीज को फटाक से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहला सेक्शन नंबर 177 जिसमें नाम दिया हमने ऑडिट कमेटी। क्वेश्चन आता है कि क्या हर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है क्या? सेक्शन 177 कहता है कि नहीं, हर कमेटी की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है वो एक लिस्टेड कंपनी होती है या फिर आपकी जो कंपनी है वो कोई और पब्लिक कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का होता है,
या फिर किसी भी नेचर में जो आपका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने शॉर्ट करने के लिए यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, बट इसी चीज को अगर आप इलाबरेट करने जाएं तो आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, डिबेंचर्स, टर्म लोन, प्रेफरेंसेस, उनका इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी टाइप की कोई भी बोरोइंग आपकी अगर होगी, अगर वो 50 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का होता है, और या फिर ध्यान देंगे बेटा क्यूमुलेटिव कंडीशन नहीं है, ये आपकी ऑल्टरनेटिव कंडीशन है। अगर सिर्फ और सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर रहा या उसके बराबर रहा तो भी ऑडिट कमेटी करना पड़ेगा। अगर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का रहा तो भी करना पड़ेगा। और अगर आपका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का रहा तो भी आपको ऑडिट कमेटी जो है वो रखनी होगी। एंड सेम यही बातें आपको बोली गई हैं फॉर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। इसके लिए भी क्या कहा गया है कि सर आपकी जो कमेटी है वो आपको बनानी पड़ेगी अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी रही तो। गॉट द पॉइंट? एंड या फिर हो सकता है कि आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बट इनमें से किसी एक कंडीशन को मैच करती है तो आपकी कंपनी में नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी होनी चाहिए। ध्यान से सुनो बेटा, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है कि कभी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन वगैरह हो, बोले क्या सर हमने कहा एक कमेटी बनानी होगी जिसका नाम रहेगा ऑडिट कमेटी, बराबर है। अब सर ये ऑडिट कमेटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर लोग रहेंगे, यानी कि आप कंपोजिशन की बात कर रहे होंगे, बराबर है। तो क्वेश्चन आता है कि इस ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कौन होने चाहिए। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, भले ही यहां वर्ड यूज किया है मेंबर्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ कंपनी। हम इस कमेटी में कंपनी के मेंबर्स को अपॉइंट करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस कमेटी में कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे जिनको इस कमेटी का मेंबर कहा जाएगा। इसे इतना जोर क्यों दे रहे? क्योंकि अगेन सिली क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं। सबले सेक्शन 177 में लिखा हुआ है कि कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए। तो सर अगर कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स के इतने तो भी होने चाहिए, इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बराबर है। तो थोड़ा सा दिमाग आप यहां लगाएंगे, सर ऑडिट कमेटी के मेंबर्स कौन अपॉइंट होंगे? बेटा यहां पे डायरेक्टर्स ही अपॉइंट होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन कितने डायरेक्टर्स, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनेंगे यहां पे बेटा, कंपोजिशन जो है उसमें बोला गया है कि कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कम से कम 3 डायरेक्टर जो है वो ऑडिट कमेटी में होने चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, बराबर है। यानी कि अगर मान लीजिए कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का अगर मैं बोर्ड की बात करूं, मान लीजिए कि 5 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के बोर्ड में, तो कहा गया है कि ऑडिट कमेटी जो आपको नई बनानी होगी उसके अंदर कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, बोले 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और ये 3 डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स कौन से होने चाहिए बेटा? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गॉट द पॉइंट? डन। फिर उसके बाद बेटा ये ध्यान से सुनेंगे अगला, कि अगर मैं यहां बात करता हूं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में, बराबर है, किसको रखना होगा, इज सेम एज ऑफ ऑडिट कमेटी, बराबर है। मतलब अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है तो आपकी कंपनी में एनआरसी होना चाहिए, या फिर अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का है तो एनआरसी होना चाहिए, और अगर आपकी जो कंपनी है वो अनलिस्टेड है और पेड अप कैपिटल अगर इतने से ज्यादा का नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का है तो होना चाहिए, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस कमेटी के कंपोजिशन की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक हल्का सा फर्क है। कंपोजिशन कहता है कि कम से कम
तीन डायरेक्टर्स इस कमिटी के मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स ऑफ एनआरसी होने चाहिए, बराबर है। एंड इन तीन डायरेक्टर्स में से कहा गया है एटलीस्ट हाफ शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एनआरसी कमिटी। क्या डिफरेंस है सर? यहां बोला गया मेजॉरिटी होना चाहिए और यहां बोला गया कम से कम आधे होने चाहिए। सर मतलब अगर मैं ऑडिट कमिटी के अंदर बात करूं तो कहा गया तीन डायरेक्टर्स, तो तीन में से दो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। एक क्या होना चाहिए? नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर ऑडिट कमिटी में मैं चार की बात करूं, अगर चार मेंबर्स रखे हैं आपने, तो कहा गया कि चार में से मेजॉरिटी कितने होंगे बेटा? तीन इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एक नॉर्मल हो सकता है। वहीं पे अगर मैं एनआरसी की बात करूं तो एनआरसी में अगर टोटल मेंबर्स तीन है तो तीन का आधा कितना होता? डेढ़। पर डेढ़ तो रख नहीं पाएंगे, तो इस केस में कितना होगा बेटा? दो होने चाहिए इंडिपेंडेंट और एक होना चाहिए आपका नॉर्मल डायरेक्टर। लेकिन अगर आपकी इस कमेटी में चार लोग हैं तो दो लोग इंडिपेंडेंट रहे तो भी चलेगा और बाकी दो लोग नॉर्मल डायरेक्टर रहे तो भी चलेगा, राइट? यानी कि ऑडिट कमेटी में अगर चार मेंबर्स हैं तो कम से कम तीन आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां लिखा हुआ है मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। काम क्या होगा ऑडिट कमेटी का और एनआरसी का? कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। ऑडिट कमेटी कंपनी में अकाउंट्स के मैटर को लेके, ऑडिट के मैटर को लेके जहां जहां जो जो इंप्रूवमेंट हो सकता है, जहां जहां जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको ठीक किया जा सकता है, वो सारी चीजों को एनालाइज करना, वो सारी चीजों को इंप्रूव करना। कंपनी में मेंबर्स का काम है ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करना, बराबर है। लेकिन कौन सही ऑडिटर होगा इस बात को रिकमेंड करना पड़ेगा। ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसकी फर्म। लेकिन एक मिनट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी लोग हैं जो धुरंधर लोग हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से नॉलेज गेन किया हुआ है, अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, एंड देन वो सीए बने हैं, बराबर है। और ऐसे भी लोग हैं जो सीए बन गए, बुरा मत मानिएगा बट ये सच है। ऐसे भी लोग हैं जो सीए बन गए लेकिन काम करना नहीं आता, क्यों? डमी आर्टिकलशिप करी होगी, राइट? तो कंपनी किसको अपॉइंट करे? एनालाइज कैसे किया जाए कि किसको ऑडिटर का काम दिया जाना चाहिए? मेंबर्स को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है। मेंबर किसको अपॉइंट करेगा? जिसको रिकमेंड किया जाएगा। रिकमेंडेशन कौन करेगा? ऑडिट कमेटी करेगी। ऑडिट कमेटी किसकी बनी होती है? डायरेक्टर्स की। सर डायरेक्टर तो इंटरेस्टेड होंगे ना? नहीं ना, इंडिपेंडेंट है ना सर। मेजॉरिटी लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए जिनका कहीं कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो वो लोग गलत क्यों डिसाइड करेंगे? वो तो अच्छे बंदे को रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे। गॉट द पॉइंट? तो ये सारे काम होंगे ऑडिट कमेटी के। वहीं पे अगर मैं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करूं तो बेसिकली ये कमेटी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और केएमपीज को अपॉइंट करने के बारे में डिसाइड करेगी। किस बंदे को उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारी कंपनी में अपॉइंट किया जाना चाहिए? सर ध्यान से सुनो। सर हमने नॉर्मली ये कहा कि कंपनी लॉ ये कहता है कि जिस भी बंदे को आप डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट करना चाहते हैं वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सर डिस्क्वालिफाइड तो बहुत सारे लोग नहीं है। डिस्क्वालिफाइड तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं है। क्या सबको अपॉइंट कर लोगे डायरेक्टर के पोस्ट पे? आंसर इज नो। कंपनी फिर भी यह सोच सकती है कि किस इंसान को अपॉइंट करना हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। गॉट इट? तो इन नॉन डिस्क्वालिफाइड लोगों की जनता में से किसी एक आधे को चूज करना होगा जो हमारी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल होगा। तो ऐसे बंदे का सर्च करना, उसका इंटरव्यू लेना, उसका एनालिसिस करना, यह सब करना काम होगा एनआरसी का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने वर्ड यूज किया नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन। सर कंपनी के डायरेक्टर्स का, कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों का रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए?
कितना काम ये लोग हमारी कंपनी में कर रहे हैं उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन रेकमेंड करने का जो काम रहेगा वो भी एनआरसी का रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये सारी बातें हैं जो कि आपके नोट्स में लंबी चौड़ी दी गई हैं, बट क्रक्स यही निकलता है। गॉट इट? डन। फिर उसके बाद में तीसरी कमेटी की अगर मैं बात करूं तो नाम है SRC, दैट इज द शेयर होल्डर, और वी कैन से द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सेक्शन नंबर 178 का सबसेक्शन 5 से लेके सबसेक्शन 8 जो है वो इसी के बारे में बात करता है और कहता है क्या कि सर अगर आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है तो सीधी सी बात है कि आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी के अंदर एनी हाउ 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं, तो आपकी कंपनी में आपको SRC यानी कि स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी जो है वो रखनी पड़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो इस पॉइंट के बारे में भी आपको सोच के चलना जरूरी होगा। दैट्स इट, ये था आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स, बराबर है। लेकिन अब सेकेंड पार्ट यहां शुरू होता है, कौन सा, पावर ऑफ द बोर्ड। कंपनी का जो बोर्ड है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, राइट? इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद में, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।